और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, जो इस जलन वाली बुराई से ऊपर उठ गई है वह नारी फिर नारी नहीं रहती, वह नारी महात्मा बन जाती है। यह पार्वती जी के अंदर अब तक भी युग बदल गया, लेकिन ये जलन वाली बीमारी बैठी रही। तो जो माताएं जो बच्चियां ये कहती है ना कि और सब भूल सकती हूं पर वो बात, मैं मर जाऊंगी पर भूल नहीं सकती, और मैं भूल जाऊं, मैं बीती तो मुंह पे ही ना, तो समझ लो वो नारी अपने विनाश को निमंत्रण देती है। उसे इस नारी स्त्रीत्व से ऊपर उठना चाहिए, उसे अपनी कोख में परमात्मा को खिलाना है तो, अपने जीवन में परमात्मा को लाना है तो, अपने इसी जीवन में अपना कल्याण करना है तो, और जिनके ऐसे मानस बन गए हैं, मन बन गए हैं कि अच्छी बात याद नहीं रहती और बुरी बात कभी भूलती नहीं है, वो परमात्मा तो छोड़ो अपने जीवन में शांति की भी आशा न करें। परमात्मा तो दूर की बात, अपने जीवन में सुख और शांति की भी आशा न करें। और जो इनसे ऊपर उठ जाती है ना, उनके यहां तो स्वयं चल करके परमात्मा जाता है, चाहे वो सबरी हो, चाहे अनुसुईया, चाहे कौशल्या, चाहे यशोदा, चाहे देवकी, चाहे देवहूति, लेकिन ये इन चीजों से ऊपर उठ गई हैं, इन विकारों से। और विकारों से ऊपर उठने के लिए ही मानव का जीवन है। विकारों से ऊपर उठने के लिए ही मानव का जीवन है, चाहे वो नारी का हो चाहे वो पुरुष का हो। भैया दशरथ जी के यहां आकर के तीन जो रानियां थी उन तीनों के कोई संतान नहीं होती थी, फिर गुरु जी के आशीर्वाद से यज्ञ हुआ, खीर प्रसाद में मिली और तीनों रानियों के गर्भ में परमात्मा चार रूपों में राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न चार। तो भगवान राम जब पैदा हुए तो नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। बोलो रामचंद्र भगवान की।